हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। हम करते हैं आपके साथ कुछ खास बातें अपने देश और राज्य के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए खास बात चैनल को और बने रहिए खास बात के साथ। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम मुंगेर जिला के बारे में, जो कि बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ का मुंगेर शहर बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है और पूर्वी बिहार का 2रा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, यह जिला क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 5वां सबसे छोटा जिला है तथा जनसंख्या के मामले में 7वां सबसे छोटा जिला है। दोस्तों, इस जिले का बॉर्डर उत्तर में खगड़िया से, पूर्व में भागलपुर से, पश्चिम में लखीसराय से, पश्चिमोत्तर में बेगूसराय से तथा दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में बांका एवं जमुई जिला से मिलती है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम के राजधानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंगेर जिला के बारे में कुछ नया जो शायद आप नहीं जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। मैं हूँ आपके साथ सौरभ झा। चलिए करते हैं खास बात मुंगेर जिले की। और हमारी अन्य जिलों की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और मुंगेर जिला का पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत काल के दौरान मुगदालपुरी के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र आज मुंगेर के नाम से जाना जाता है। 1832 ईस्वी में यह जिला भागलपुर जिला से अलग किया गया था, परंतु उस समय यह भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत ही आता था। वर्तमान में मुंगेर ही अपना कमिश्नरी है। यह जिला 1976 ईस्वी से पहले एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। बाद में इससे 5 जिले बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा को अलग किया गया। वर्तमान में इस जिले के अंतर्गत 3 सब डिवीजन, 9 ब्लॉक्स, 923 गांव, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मुंगेर जिला और मुंगेर कमिश्नरी का मुख्यालय मुंगेर शहर में ही स्थित है। वर्तमान में इस जिले से NH-80, NH-333 और NH-333 भी गुजरती है, जो कि कई बड़े शहरों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन जमालपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह जिला 1419.7 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 13.5 लाख के आसपास थी, जो वर्तमान में 15 से 18 लाख के बीच हो सकती है। यहाँ की जनसंख्या में हिंदू 91.56%, मुस्लिम 8.07% तथा 0.37% के अंतर्गत अन्य धर्म के लोग आते हैं। यहाँ का लिंगानुपात 876 है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं आती हैं। यहाँ की बड़ी आबादी गांव में ही निवास करती है, लगभग 72%। दोस्तों, यहाँ की प्रमुख नदी गंगा, मोहने, हरोहार तथा क्यूल है, जो कि यहाँ की भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। यहाँ की फसल में चावल, मक्का, गेहूं, चना इत्यादि प्रमुख हैं। इस जिले में कई सारे उद्योग भी हैं, जिसमें आग्नेयास्त्र व तलवार निर्माण शामिल हैं। यहाँ पर एक सिगरेट का बहुत बड़ा कारखाना भी स्थित है। यहाँ पर अभ्रक, स्लेट और चूना का भी खनन होता है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जिसमें शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी है। यहाँ पर कई सारे डिग्री कॉलेज और कई सारे व्यावसायिक कॉलेज भी उपलब्ध हैं। यहाँ का साक्षरता दर 73.30% है, जो कि अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अधिक है। अंत में दोस्तों, हम यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बिहार योगा भारती, मुंगेर किला, कष्टहरणी घाट, पीर सानुफा का मकबरा, रामेश्वर कुंड, मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा, चंडी स्थान इत्यादि प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो मैं किस जिले पे बनाऊं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं कमेंट करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।